शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय ब्यावर में बुधवार को CPR तकनीकी के बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सचिव अभय देवल ने बताया कि जोधपुर के डॉक्टर राजेंद्र तात्यर के सानिध्य में युवाओं में होने वाली सडन कार्डियक अरेस्ट एवं हार्ट अटैक के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर आर्य समाज प्रधान ओम प्रकाश के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र तात्यर का दुपट्टा पहना कर स्वागत किया गया। इस दौरान गोदावरी आर्य कन्या शिक्षण समिति सचिव डॉक्टर लालचंद खेड़ा एवं आर्य समाज सचिव भूदेव आर्य, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर शालू शर्मा, आर्य समाज सदस्य राजेंद्र काबरा ने डॉक्टर राजेंद्र तात्यर को महाविद्यालय की ओर से महर्षि दयानंद का मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र तात्यर ने बताया कि आज के इस दौर में 25 से 45 वर्ष की उम्र के नौजवानों में साइलेंट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मौत होने की खबरें आमतौर पर अधिकाधिक होती जा रही है। उन्होंने महाविद्यालय के छात्राओं को बताया कि सडन कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो जाने से हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है, जबकि हार्ट अटैक में हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियां अचानक अवरुद्ध हो जाती है। हृदय के एक भाग में रक्त प्रभाव रुक जाने से हृदय के उस भाग की मांसपेशियां मर जाती है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर तात्यर ने बताया कि सडन कार्डियक अटैक में व्यक्ति के मस्तिष्क में जाने वाला रक्त संचार रुक जाता है, जिसके कुछ देर बाद व्यक्ति द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। नब्ज हृदय की धड़कन पर सांस बंद हो जाती है। व्यक्ति को तुरंत उपचार नहीं मिले तो एक मिनट में ही उसकी मौत भी हो जाती है, जबकि हार्ट अटैक में व्यक्ति को सीने में दर्द, जलन, हाथों से बाहों कंधों तक दर्द फैल जाता है। साथ ही पसीना होना, सांस फूलना, उल्टी, थकान, चक्कर आना आदि लक्षण पाए जाते हैं। हार्ट अटैक में व्यक्ति की सांस चलती है, हृदय धड़कता है, वह कार्य करता है। इस दौरान तात्यर ने उपस्थित महाविद्यालय के छात्राओं को बताया कि अगर व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो पीड़ित व्यक्ति को किसी ठोस स्थान पर पीठ के बल लेटा दे एवं नब्ज की जांच करे, तत्पश्चात छाती पर कान लगाकर सुने कि हृदय की धड़कन चल रही है या नहीं। पीड़ित व्यक्ति की सांस यदि नहीं चल रही है तो आप व्यक्ति की छाती के सामने घुटने के बल बैठ जाएं। अपना एक हाथ का पंजा पीड़ित की छाती के बीच की हड्डी जहां पर छाती की हड्डियां मिलती है के मध्य में रखते हुए दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखते हुए उंगलियों को फंसाते हुए अपने बाजुओं को और कोहनी को सीधा रखें। छाती की हड्डियों को 1.5 से 2 इंच तक के लिए दबाव डालें, जिससे रक्त संचार मस्तिष्क तक पहुंच सके। पीड़ित व्यक्ति की छाती पर दबाव की प्रक्रिया प्रति मिनट 100 बार की गति से करें। इस दौरान हाथ को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। पीड़ित व्यक्ति जब तक जिंदा ना हो जाए या डॉक्टरी सहायता उपलब्ध ना हो जाए तब तक बिना रुके दबाव डालते रहे, जैसे व्यक्ति की जान बचाई जा सके। कार्यशाला के दौरान व्याख्याता अलका मुद्रा, नीतू बाखोलिया, हंसा भाटी, ममता कृपलानी, डिंपल मालू, नीलम साहू, सावित्री चौहान, निकिता शर्मा, विनोद कुमार दोलिया, हीरालाल पोपावत, अजय साहू, पीयूष शर्मा, जया पांचाल, ललिता कुमावत, गीता खत्री, दीपा चौधरी सहित महाविद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं।